हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी हम आए कानपुर में और अभी हम आए हुए हैं बिठूर में, जहाँ पे नाना राव मेमोरियल पार्क बना हुआ है और इसका इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है। तो आपको हम बैक कैमरे से दिखाएंगे और इस पार्क के बारे में बताएंगे कि यहाँ का क्या इतिहास था। दोस्तों, इतिहास हमें अक्सर आईना दिखाता है और अच्छा यह है कि हम अक्स देखते हुए बहुत कुछ सीखते और गढ़ लेते हैं, लेकिन इतिहास के अनगिनत पन्नों में सुबह की तारीख का जिक्र कम मिलता है। भारत के इतिहास में कानपुर की एक खास सुबह को बड़े गुमान से जगह दी गई है। यह सवेरा आज से ठीक 156 साल पहले 1857 को आया था। यहाँ मराठा क्रांतिकारी नाना राव पेशवा ने अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ आज़ादी का बिगुल फूंका, जो पूरे देश में आग की तरह फैल गया था। इस दौरान सैकड़ों सपूत सिर पर कफन बांध कर निकल पड़े और जो भी आया उसे मारते गए। ऐसे ही एक इलाका शहर के बीचों बीच बने नाना राव मेमोरियल पार्क के नाम से जाना जाता है, जिसका असली नाम तात्या टोपे मेमोरियल गार्डन है। यहीं से नाना के सैनिकों ने जंग आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की थी और दुश्मनों को सबक सिखाया था। नाना के जांबाज महिला सिपाही ने 200 से ज़्यादा अंग्रेज महिलाओं को जिंदा कुएं में अंदर दफन कर दिया था। इसी से गुस्साए अंग्रेजों ने यहीं पर बरगद की टहनियों पर 133 क्रांतिकारियों को लटका दिया था। कुआं और बरगद तो अब पार्क के अंदर नहीं रहा, लेकिन वह निशानियां आज भी यहां मौजूद हैं। इस सुबह के बाद नया विहान बेशक 9 दशक बाद 15 अगस्त 1947 को आया, लेकिन बिठूर से इस मराठा क्रांतिकारी की गदर ने ब्रितानी हुकूमत के भाल पर यह अमिट संदेश उकेड़ दिया कि दास्ता की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आइए करीब 150 पहले की उस सुबह की सैर पर निकलते हैं। ब्रितानी हुकूमत के जुल्मों सितम से छटपटाते तत्कालीन हिंदुस्तान के कई स्थानों पर असंतोष का लावा पक रहा था। बंगाल की बैरकपुर सैन्य छावनी में मंगल पांडे की बगावत की चिंगारी कानपुर पहुंची और बिठूर के पेशवा महल से 1857 में आज़ादी का बिगुल फूंका गया था। क्रांतिकारी बिठूर से निकलकर कानपुर के बीचों बीच बने फूलबाग में अपना ठिकाना बना लिया। इतिहासकार मनोज कपूर ने बताया कि नाना राव पार्क का असली नाम तात्या टोपे मेमोरियल गार्डन है। यहाँ आज भी 1857 के गदर के वक्त अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ नाना राव और तात्या टोपे रहकर रणनीति बनाया करते थे। यहाँ से बिठूर तक क्रांतिकारियों ने सुरंग बनाई थी और जब भी अंग्रेजों से नाना के सैनिक घिर जाते तो इन्हीं के जरिए भागकर बिठूर पहुंच जाते थे। इसी पार में अंग्रेजों की महिलाओं को मारा गया था। तो दोस्तों, ये रहा नाना राव मेमोरियल गार्डन का इतिहास, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बिठूर नामक कस्बे के पास बना हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ का जो टिकट है वो पर पर्सन 25 रुपये का है और यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं और काफ़ी फैमिली कपल और फ्रेंड्स के साथ यहाँ लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे आपको कैंटीन की व्यवस्था मिल जाएगी और काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और काफ़ी बड़ा पार्क है और काफ़ी पुराना है, जैसा कि आपको हमने इतिहास बता दिया यहाँ का। तो काफ़ी खूबसूरत जगह है बिठूर के अंदर ये घूमने के लिए। तो काफ़ी अच्छा पार्क है कानपुर शहर के अंदर और यहाँ का इतिहास काफ़ी पुराना माना जाता है।
आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके।